हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 26, 27 और 28। इससे पहले वाले जो कार्यपत्रक हैं, 1 से लेकर 25 तक की वीडियो मैंने बनाए हैं कार्यपत्रकों के, तो आप वो वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज हम देखेंगे 26, 27, 28। तो 1 से लेकर 28 तक के जो कार्यपत्रक हैं, इन्हीं के आधार पर आपका जो बेस लाइन असेसमेंट है, आपका स्तर कक्षा के लेवल का है या कक्षा के लेवल से नीचे का है, उसका आपका टेस्ट होगा। बेस लाइन असेसमेंट का टेस्ट होगा। तो ये 1 से लेकर 28 तक के कार्यपत्रक जो हैं, उन्हीं में से ये टेस्ट आएगा आपके। तो चैनल पर आपको 1 से 28 तक के सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे, और आपको जो बेस लाइन असेसमेंट का पेपर है वो भी मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। तो आप ज़रूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी एक पैटर्न दिया गया है, इसको आपको समझना है, इसके बाद इन खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए, एक को 9 से गुणा किया, उसके बाद कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। तो कितना आएगा? देखो, 9 एकम 2, 9 और 2 11, यानी 2 बार 1 आएगा। अभी इस पैटर्न को समझते हैं। एक एक आ गया, फिर यहाँ पर 2 लगा दिया तो 12 हो गया, फिर 9 से गुणा किया तो 12 को 9 से गुणा करेंगे 108 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 111, यानी 3 जोड़ा है तो कितना आ गया? 3 बार 1 आ गया। यहाँ पर 2 के आगे फिर 3 लगा दिया, गुणा 9 से ही करना है, तो यहाँ पर जोड़ा कितना? 4 जोड़ दिया तो 4 बार 1 आ गया। अब यहाँ पर खाली स्थान भरना आपको। देखिए, यहाँ पर 1 कितने बार आया हुआ है? 6 बार आया हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 5 नहीं लिखना आपको, 6 लिखना है, क्योंकि 6 जोड़ने पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, 4 था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था? 3 था। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर करना है। 1 2 3 4 5 6 कर दोगे, गुणा 9 से करना है, 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 और 7 12 आ जाएगा, 4 5 6 और 7। इसी प्रकार आपको ये करना है, यहाँ पर 1 से 7 तक लिख दो, 3 4 5 6 7 गुणा 9 से कर दो, 8 जोड़ दो तो यहाँ पर 1 और कितने बार आ जाएगा? 8 बार आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से करना है, पैटर्न को समझ के करना है, बिल्कुल जैसे आपको पैटर्न दिया गया है उसी हिसाब से ये क्वेश्चन करेंगे। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर, ये भी पैटर्न पे ही संबंधित है। देखिए, ये पैटर्न दिया गया है आपको यहाँ पर। तो देखिए, 2 और 4 दोनों को जोड़ते हैं तो 6 होता है, यहाँ पर जोड़ करके दिखाया हुआ है। पैटर्न को समझना है, दोनों को जोड़ा गया है तो 6 आ गया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया 13 आ गया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 4 और 5 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अभी इस ऊपर वाले डब्बे में हम देखें तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 कितने हो गए? 15। यहाँ पर लिखना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 9 कितने हो गए? 22। और अब इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37। अब इसको भी आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर जोड़ नहीं है। देखो, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, लेकिन यहाँ तो 20 दिया हुआ है। इसका मतलब 5 को 4 से गुणा किया है, 20 आ गया, 6 को 4 से गुणा किया, 24 आ गया, 6 को 3 से गुणा कर दो, 18 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है तो 20 को 24 से गुणा करेंगे तो 14 दुनिया 48, 480 आएगा, और 24 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 432 आएगा। फिर ऊपर वाले में आपको 480 और 432 का है वो गुणा कर देना है, तो इनका गुणा करने पर आएगा आपका 2,07,360, 2,07,360। तो ये पैटर्न समझ के आपको इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन वो करने हैं। यहाँ पर भी आपको पैटर्न समझना है, ये आपको पैटर्न पहले से करके दिया हुआ है, इसके आधार पर आगे वाले करने। देखिए, 9 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया? 16 हो गया। 7 में 8 जोड़ा कितना हो गया? 15 हो गया। 9 में 8 जोड़ा कितना हो गया? 17 हो गया। ऐसे ये करना है। 32 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57। 32 में हम 47 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 79। और 25 में हम 47 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12, 4 2 4 1 7, 72 आ जाएगा। ऐसे ये करना है। यहाँ पर देखिए, 89 आपको दिया गया है, तो यानी ये जोड़ के लिखा हुआ है, 89 जोड़ने के बाद 89 आया, तो इन दोनों जगह आपको क्या लिखना है? देखो, यहाँ पर आप 80 और 9 भी लिख सकते हो, 70 19 भी लिख सकते हो, 60 29 भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर 80 और 9 लिख देते हैं, 89 हो गए। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के लिख दो तो 80 और 50 कितने हो गए? 130। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लिख दो, 50 और 9 कितने हो गए? 59। तो आपको ये क्वेश्चन है वो पैटर्न को समझ के करना है। इसका हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे भी आपको पैटर्न के हिसाब से ही दिया गया है। देखिए, 3 आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए 3, फिर गुणा है, फिर बराबर का निशान है 15। 3 को किससे गुणा करेंगे? 15 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इधर हम देखें 3 तो किससे गुणा करेंगे? 6 आएगा, 2 से गुणा करेंगे। फिर 6 को किससे गुणा, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा।
15 को किससे गुणा करेंगे, 60 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पूरा करना है। यहाँ पर 4 को गुणा करना है किससे करेंगे, 36 है तो 9 से करेंगे, 9 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 को 4 से करेंगे तो 72 आ गया। तो 36 को किससे गुणा करें, 72 है 2 से, ऐसे ये 7 गुणा 2 हो जाएगा, 14 आ गया इधर, 7 गुणा 3 इधर कितना हो गया 21, 21 गुणा 2 इधर कितना हो गया 42, और 14 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट और पैटर्न को समझ के क्वेश्चन करना है। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट कार्य पत्रक नंबर 27 आपको दिया गया है, इकट्ठा की जानकारी को सारणी के माध्यम से प्रदर्शित कर निष्कर्ष निकाल पाना, 2, 4, 5 और 7। तो आपको देखना है 2 कितनी बार आया है यहाँ पर। एक कक्षा के छात्रों को जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार में, देखो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आए हैं तो यहाँ पर हमें टेली मार्क लगाना है, 1, 2, 3, 4 और 5 हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5। ऐसे 4 को देखना है कितनी बार है, 1 और 2, 3 और 4, 4 कितनी बार है, 4 बार, तो ये 4 लाइनें खींच देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर 5 देखना है कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आए, तो यहाँ पर 5 और 6 लाइनें खींच देंगे, 4 तो ये होगी, 5 भी होगी, 6 यहाँ पर लिख देंगे 6। तो इस तरीके से पहले आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रश्न है इसके उनका आपको जवाब देना है। प्रश्न है 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 है। और इसी प्रकार इसके आगे वाले प्रश्न है, मैं मिटा देता हूँ एक बार इसको, फिर लिखते हैं 5, 4, 6, 8। यहाँ पर क्या था, 5 था, 4 था, 6 था और 8 था। तो 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 आ जाएगा। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, तो 10 रुपये खर्च करने वाले यहाँ से देखेंगे हम कितने हैं, 2 जने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर गिन लीजिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, तो टोटल कितने हो गए, 25। तो इस तरीके से आपको सारणी फिल करनी है और बाद में इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। ऐसे आपका दूसरा प्रश्न दिया गया, यहाँ पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट के अंक इस प्रकार है, तो नीचे इनको सारणी में प्रदर्शित करना है। अंक 2, अंक 2 कितने जनों के हैं, देखो 1, 2, 3, 4 जनों के, तो यहाँ पर 4 टेली मार्क आ जाएंगे, 4 लिखा हुआ है। 3 कितने जनों के, 5 जनों के, तो 5 टेली मार्क आ जाएंगे। 4 3 जनों के, तो 3 टेली मार्क आ जाएंगे। 5 2 जनों के हैं, तो 2 टेली मार्क आ जाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राप्तांक हैं, सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं, 3 हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 अंक छात्र कितने हैं, 4 हैं। 4 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, देखो 4 या उससे ज़्यादा, तो 4 कितने जनों के नंबर आए थे, 3 जनों के, 4 से ज़्यादा कितने, 2 जनों के, टोटल कितने होंगे, 5 छात्र। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट कार्य पत्रक नंबर 28, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर परिचयात्मक स्तर पर दंडालेख व चित्रालेख की रचना कर पाना, और यहाँ पर वाहन की संख्या दे रखी है आपको, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, साइकिल, तो ये आपको ग्राफ में लिखना है। यहाँ पर बार ग्राफ दिया गया है, तो देखिए मोटरसाइकिल कितनी है, 14 है, तो 14 तक आपको छायांकित करना है। स्कूटर कितने, 8 है, तो यहाँ पर 8 तक इसको छायांकित करना है। ऐसे कार कितनी है, 4 है, तो 4 तक छायांकित कर देंगे। जीप कितनी है, 2 है, तो 2 तक आपको छायांकित करना है ऐसे। और साइकिल कितनी है, 10 है, तो आपको 10 तक छायांकित कर देना है। इस तरीके से छायांकित कर देंगे। इनके बाद में इनके नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनका हमें जवाब देना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे अधिक संख्या किस वाहन की है, क्वेश्चन कौन सा है, सबसे अधिक संख्या कौन से वाहन की, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, आप सारणी में देख सकते हैं ऊपर कौन सी है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटरसाइकिल। चार पहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है, तो चार पहिया वाहन देखो कौन कौन से हैं, तो चार पहिया वाहन ये है और ये है, तो कितने हैं, 6, तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस कार्यपत्र को है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने 4 कार्यपत्र हो गए 28 तक। इसके बाद में आगे आपको बेस लाइन असेसमेंट का पेपर दिया गया है, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।